हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवार। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से संबद्ध कॉलेज है। वहां से नॉन टीचिंग पोस्ट पर एक वैकेंसी आउट की गई है। कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इन द लास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2021-22 का लिंक ओपन किया है। यहाँ पर आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, जिसमें एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी से संबंधित लिंक मिलेगी एंड जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट की यहाँ से लिंक मिल जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट एंड एप्लीकेशन फी, इन सभी की लिंक इस यहाँ पर दी गई है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें सारी डिटेल्स दी गई है। इसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी है। पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए एलडी में 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है मास्टर डिग्री कम से कम 55% मार्क्स के साथ में या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री। अगर डिजायरेबल की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन सुपरवाइजरी में या इसके इक्विवेलेंट किसी कैडर में, जो कि ग्रुप बी पोस्ट में होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में, एजुकेशनल में या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में या टीचिंग में, या रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज भी इसमें मांगा गया है। अगर आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी है तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। साथ ही आपके पास अगर LLB है या MBA है या CA है या SCWA है या MCA है या MPhil है या PhD है, तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। साथ ही क्वालिफिकेशन में वर्किंग नॉलेज ऑन कंप्यूटर पर भी मांगा गया है। मैक्सिमम 35 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी UGC रूल्स के हिसाब से मिलेगी एंड ये एज रिलैक्सेशन प्रत्येक वैकेंसी पर लागू होगी। सैलरी लेवल 10 की मिलने वाली है, 56,100 से लेकर 177,500 है। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन के लिए। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, अगर आपकी मास्टर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री भी है अगर आप, तभी आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही UGC नेट क्वालिफाई मांगा गया है। अगर आप PhD हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट PhD हैं उन्हें नेट में एग्जेम्पशन दिया जाएगा, यानी नेट से उन्हें छूट मिलेगी। मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की सैलरी यहां पर भी मिलने वाली है, 56,100 से लेकर 177,500 है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। योग्यता है ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में मांगा गया है, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर में या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी में, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में वो हो सकता है। डिजायरेबल में बात करें, अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में है एंड डिप्लोमा इन ऑफिस प्रैक्टिस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी है, तो भी आप इसके लिए डिजायरेबल हो सकते हैं। आपको यहां पर वरीयता दी जाएगी। मैक्सिमम 35 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में। यहाँ पर PWBG कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, HI में है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है BE या BTEC, MA या MTEC इन कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या BTEC इन रिलेवेंट ब्रांच में मांगा गया है। उसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में, या अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा IT में है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट की। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है।
ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में यहाँ पर मांगा गया है, यानी यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पोस्ट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर एंड असिस्टेंट की एज लिमिट सेम है, मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एंड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में सैलरी लेवल सेम है। टेबल 6 की यहां पर सैलरी मिलेगी जो कि 35,400 से लेकर 142,400 है, एंड असिस्टेंट की सैलरी लेवल 4 है 25,500 से लेकर 81,100 है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर जो वैकेंसी है ओबीसी में 1 है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है 10+2 या इसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री, साथ ही टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है कंप्यूटर कीबोर्ड पर जिसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, यानी कि दोनों में से किसी एक की स्पीड मांगी गई है। मैक्सिमम 27 ईयर के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की यहां पर सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, यानी टोटल 3 वैकेंसी है इधर। 10+2 साइंस के साथ में मांगा गया है या ग्रेजुएट रिलेवेंट सब्जेक्ट में मांगा गया है। मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 की यहां सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है एमटीएस कंप्यूटर के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, 10+2 साइंस के साथ में मांगा गया है सिंपल। मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस लाइब्रेरी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 2 है, यानी टोटल 6 वैकेंसी यहां पर रहने वाली है। एलिजिबिलिटी 10th पास मांगा गया है या इसके गोल्डन कोई डिग्री मांगी गई है, साथ ही सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में मांगा गया है एंड कंप्यूटर नॉलेज भी मांगा गया है, यानी आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस कंप्यूटर एंड एमटीएस लाइब्रेरी दोनों की सैलरी यहां सेम है। लेवल 1 की सैलरी है 18,000 से लेकर 56,900 है। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। अप्लाई फीस अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एससी एसटी वोमेन के लिए 500 यहां पर अप्लाई फीस रखी गई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 जनवरी 2022 है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने मिरांडा हाउस की वेबसाइट ओपन है। नॉन टीचर रिक्रूटमेंट 2021-22 में आपको यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंटरफेस ओपन है। यहां पर आपको क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद, लॉग इन करने के बाद आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करने की जरूरत है। आपको फॉर्म फिल करते समय जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट को लेकर के अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगा के कोरियर के द्वारा या पोस्ट के द्वारा निम्न एड्रेस पर सेंड करना है, जो कि एड्रेस है प्रिंसिपल मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली 110007 है, एंड हार्ड कॉपी 4 फरवरी 2022 तक पहुंच जाना चाहिए। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को देख लेते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के बेसिक नॉलेज के लिए रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट लिया जा सकता है। जिन भी कैंडिडेट ने रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है, इफ एप्लीकेबल, यानी एप्लीकेबल हुआ तो। कैंडिडेट को ये सलाह दी जाती है कि अपने मेल आईडी को एंड कॉलेज की वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहे, ताकि आपको वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।